हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम GKP प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी के शेयर प्राइस 77.60 रुपये है और एक दिन में ऑलमोस्ट 5% के लोअर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 18% के नेगेटिव रिटर्न, यानी पिछले 5 दिन से इस स्टॉक में कंटिन्यू लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीनों में 73% के नेगेटिव रिटर्न दिए, पिछले 6 महीनों में 47% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 92% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 302% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 302% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। इस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसका एक रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 2021 में 1:1 का बोनस दिया है और ये कंपनी 16 सितंबर को 2:1 का बोनस देने जा रही है। इस वजह से इस कंपनी का चार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो, ये जो कंपनी है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर में वर्क कर रही है। मार्क जैसे कि जो पेपर्स होते हैं, लॉर्ड डेजिनिटी, प्लास्टिक रोल्स, एलडी लॉर्ड्स, इन सभी में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 114 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक का लो 38 रुपये, स्टॉक का है 310 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। ROC 5.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.5%, डेप्ट इक्विटी 0.01 है, ऑलमोस्ट मात्र 17 लाख का ही लोन देखने को मिला है और प्रमोटर होल्डिंग 53% की है। तो यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि पॉजिटिव हमें देखने को मिले 0.29 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला 0.76 करोड़, 0.78 करोड़, 0.81 करोड़। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले, 13 करोड़ 14 करोड़ जो कि गिरकर अभी 7.80 है, बट ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री है। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग 52.91% हमें देखने को मिली, पब्लिक होल्डिंग 47% हमें देखने को मिल रही है। यानी ऑल ओवर कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होगा। अगर आप ऐसी गिरावट में इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो और पेशेंस रखते हो तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं, ऑलरेडी आपने इसको काफ़ी हाई प्राइस पे खरीदा है और आपको काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी डेब्ट फ्री है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कभी भी भागते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब स्टॉक अपर सर्किट में होता है तो उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिलती है और उसी के बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिलते हैं। उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना कि आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी देखने को मिलेगा और ये कंपनी अभी बोनस देने वाली है, इस वजह से इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर है? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।